कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। ग्राम पंचायत घर पावली के गेट पर कूड़ा डालकर अतिक्रमण करने की कोशिश करने का विरोध ग्राम पंचायत पावली के सचिव सनी मलिक को भारी पड़ गया। आरोप है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने पंचायत सचिव के कागजात फाड़ते हुए साफ बोल दिया कि यह गांव हमारा है, हमारे हिसाब से ही चलेगा, कोई कूड़ा कलेक्शन यहां नहीं होगा। इस आशय की शिकायत लेकर आज ग्राम पंचायत अधिकारी संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ के संयुक्त मंच समन्वय समिति जनपद मेरठ के अधिकारियों ने मेरठ पहुंचकर SSP से मुलाकात की। इन लोगों ने सीधा आरोप लगाया कि थाने में तहरीर देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण अपराधियों के हौसले बढ़ चुके हैं। पुलिस कप्तान ने CO को इसकी जांच सौंप दी है। समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष ने पुलिस कप्तान से मिलने के बाद fastbite.tv से यह कहा। नाम नरेंद्र सिंह है, मैं ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ समन्वय समिति का जिलाध्यक्ष हूँ। आज आप SSP ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला? हम SSP ऑफिस आए हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पब्लिक खास है विकासखंड दोराला में, वहाँ एक रजी खान सन ऑफ आपा का नाम का एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो बार बार सरकारी कार्यों में बाधा डालता है। अगस्त में एक उसने ऐसा ही काम किया था, हम जो एक सरकारी राशन की दुकान थी उसका प्रस्ताव करने गए थे तो उसमें उसने बाधा डाली, गुंडई गई और उस गुंडई के बल पर जो है उसने अपने पक्ष में तथ्यों पर नकारते हुए वो राशन की दुकान अपने पक्ष में कराने की प्रयास करा। उसकी हमने तहरीर दी थाना कंकरखेड़ा को और खंड विकास अधिकारी दोराला के एक पत्र के माध्यम से भी हमने शिकायत की, लेकिन उस पर थाना कंकरखेड़ा ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी उसका मनोबल फिर इतना बढ़ गया कि उसने जो है पिछली 11 तारीख को फिर एक ऐसी घटना की। वहाँ पंचायत सचिवालय है, पंचायत सचिवालय के बाहर में एक पैंट लगती है, अवैध रूप से पैंट लगती है, तो वहाँ दरअसल में सरकार का एक पंचायत राज विभाग का कार्यक्रम चल रहा है SLWM के नाम से, जो कूड़ा कलेक्शन करते हैं। हम पूरे कृत संकल्प हैं, शासन की योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक ड्रीम योजना है कि हम गाँवों को कूड़ा मुक्त करेंगे। हम उसी कूड़ा मुक्त करने के लिए ग्राम पंचायत कृत संकल्प है, इसलिए वह कूड़ा कलेक्शन का भी काम करती है और कूड़ा निस्तारण का भी काम करती है। उसका उन्हें प्रयास सनी मलिक जी हैं, वहाँ ग्राम पंचायत सचिव हैं, इन्होंने जो है उसे समझाने का प्रयास करा, लेकिन वो अपने साथ 10-15 गुंडे टाइप के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो उनको लेकर के पंचायत घर पर आया और इनके साथ में इनके कागज फाड़ दिए, इनके सरकारी कार्य में बाधा डाली और स्पष्ट रूप से खड़े होकर के कहा कि ये गांव हमारा है, यहाँ गांव हमारी मर्जी से चलेगा, किसी मुख्यमंत्री की वजह से नहीं चलेगा, किसी सरकारी तंत्र की वजह से नहीं चलेगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा और कोई कूड़ा कलेक्शन नहीं देगा, ये पैंट यहीं लगेगी, तुम पंचायत घर को अपने को कहीं उठा करके ले जाओ। कप्तान साहब ने CO साहब को दिए हैं और वहाँ से कार्रवाई करने के लिए हम आश्वासन दिया है। यदि हमें आश्वासन हमारा पूरा नहीं उतरता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम निश्चित रूप से पूरे जनपद में एक इसके आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत सचिवों में एक रोष व्याप्त है और सरकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। पूरे जनपद मेरठ की मैं बात कर रहा हूँ, जनपद मेरठ में भी यदि और भी नहीं सुनेंगे तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर भी हम आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ऐसे गुंडे तत्व के लोगों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शासन की योजनाओं का पलीता लगाने का काम शासन प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।